देवास के प्रताप नगर मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 1 लाख का माल जब्त किया है। 6 सितंबर को सिविल लाइन थाना अंतर्गत प्रताप नगर में स्थित सप्तशृंगी दशा माता मंदिर में चोरी हुई थी, जिसका आज रविवार को पुलिस ने खुलासा किया। एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सिविल लाइन थाना प्रभारी संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी कैमरे एवं मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले आरोपी अजय उर्फ अज्जू चक्रधारी निवासी इटावा को गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से चोरी हुए मुकुट, चांदी की चरण पादुका, चांदी के पायजेब और कई सामग्री जब्त की है। वहीं पुलिस द्वारा उक्त आरोपी का रिमांड लेकर पूछताछ जारी है। संजय सिंह ने बताया कि आरोपी मंदिर की रैकी रखकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पहले भी एक मंदिर में चोरी का अपराध उक्त आरोपी पर पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरण को जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई थी, जिस पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर अजय चक्रधारी को और प्रजापति जाति है इसकी, इसको पकड़ा गया था और इससे पूछताछ की गई। जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो आरोपी के द्वारा घटना करना कबूल किया और चोरी गया मशरूका को बरामद कराया, जिसमें चांदी के छत्र हैं और चांदी के मुकुट हैं, पायल है और चरण पादुका हैं और अन्य सामान हैं। इसने जो है अभी तक 90% बरामदगी हो चुकी है माल की, लगभग 1 लाख रुपए का चांदी का मशरूका बरामद किया गया है और आरोपी जो है ये मंदिरों को ही टारगेट करता है और मंदिरों में ही चोरी करता है।